एसएससी जीडी कांस्ट और भर्ती का पेपर कैसा होगा? 29,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 अभियान के माध्यम से 29,000 से खाली पदों पर बहाली की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है जो 14 अक्टूबर तक चलेंगे। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा जनवरी फरवरी में हो सकती है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अपने जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले यूपी समेत देश के 10 लाख परिवारों को खास तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के पात्रों को 15 सितंबर को पहली किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.64 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। वरिष्ठ नागरिक फ्री में हवाई जहाज एवं रेल से यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं जारी है। इसके लिए अंतिम तिथि गुरुवार 19 सितंबर है। योजना में 60 साल से ज्यादा के लोग धार्मिक यात्रा हवाई जहाज एवं रेल से कर सकेंगे। इसके अलावा वृद्ध दंपत्ति को जोड़ी के साथ तीर्थ यात्रा करने का प्रावधान है। तीर्थ यात्रा के लिए जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। चीन में हो जाएंगे बच्चों से ज्यादा कुत्ते बिल्ली, सरकार पर भारी पड़ रहा है युवाओं के पेट पेरेंट्स का ट्रेंड। जम्मू कश्मीर चुनाव किसका पड़ा भारी, गुलाम नबी आजाद ने बताया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है।